अपने मोहल्ला का टोटल पैसा हम सब गरीबों का जमा करवाए हैं, एक भी सब लोग हाय हाय छाती पीट रहा है, किसी की बेटी का शादी है, किसी की 4-5 लड़कियां हैं, सब कैसे सर उन लोगों का शादी होगा। उलहना अगल बगल से सुन रहे हैं, कोई कह रहा है कि चाकू मार देंगे, आओ गली में से पार कर, तोरा के बताओ तो नहीं। मैं बोल दिया था कि जनता भूखे मरेगा तो हम भी भूखे मरेंगे, हम कमीशन नहीं लेंगे, नहीं लेते हैं। चल गली में है पार कर, वो मैं देख तोरा के छोड़ब ना, ऐसे करब वैसे करब, तोरा बेटा के मार दे, बहुत तरह से सर तंग किया जाता है हम लोग को सारा इंडिया के लिए। जितने आदमी एकदम गली में चलते हैं कि चलना एकदम जीना हराम हो गया, उधर से निकलते हैं, उधर से निकलते हैं, कोई गाली देते हैं, कोई बात कहते हैं। हम लोग तो जीते जी मर रहे हैं सर, हम लोग इतना मर चुके हैं कि हद से ज्यादा गुजर चुका, हम लोग कहीं जाने के लायक नहीं रहे। बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ मिराज मलिक। अभी हम मौजूद हैं गर्दनी बाग के पास। आपको बता दें कि सहारा के सारे जमाकर्ता जो है विधानसभा घेराव करने के लिए तैयार हो चुके हैं। आप देख सकते हैं इनके हाथों में पोस्टर, पूरी संख्या के साथ जो है लोग यहाँ मौजूद हैं। साफ तौर पर इनका यही मांग है कि जल्द से जल्द इनका भुगतान किया जाए। कुछ लोग हैं, उनसे बातें करेंगे। क्या क्या नाम है आपका? गीता देवी। पूरी तैयारी के साथ विधानसभा घेराव करने के लिए आप लोग आ चुके हैं जी। क्या क्या मांगे लेकर जा रही हैं? भुगतान के लिए मांगने आए हैं, जल्द से जल्द भुगतान हो। हाँ जी। कहाँ से आई हैं आप? मुजफ्फरपुर से। मुजफ्फरपुर से आई हैं, कब चली हैं? पैसा जमा हुआ है, 7 बजे चले हैं। कौन पसीने रात में चली हैं? अभी पहुँच, सुबह 7 में सुबह से आए हैं मुजफ्फरपुर से यहीं जी। क्या बोल रहे थे? पसीने का कमाई सर, गरीबों का रिक्शा चालक हमारे मोहल्ले में सब रहते हैं, रिक्शा चालक बादाम बेचने वाले सबका पैसा उसमें जमा है। कितना पैसा आपका? सर मेरा खुद अपना, मैं उसमें काम करने वाला एक एजेंट भी हूं, जमा करता जी जी। अपने मोहल्ला का टोटल पैसा हम सब गरीबों का जमा करवाए हैं, एक भी सब लोग हाय हाय छाती पीट रहा है, किसी की बेटी का शादी है, किसी की 4-5 लड़कियां हैं, सब कैसे सर उन लोगों का शादी होगा। सर बहुत हम लोग कष्ट में जी रहे हैं सर, उलहना अगल बगल से सुन रहे हैं, कोई कह रहा है कि चाकू मार देंगे, आओ गली में से पार कर, तोरा के बताओ तो नहीं। कौन दे रहा है जो जिनका पैसा आपने लेके जमा किया है या जो हम करवाए हैं सर जी? कह रहा है कि चल गली में है पार कर, वो मैं देख तोरा के छोड़ब ना, ऐसे करब वैसे करब, तोरा बेटा के मार दे, बहुत तरह से सर तंग किया जाता है हम लोग को सारा इंडिया के लिए। मतलब जिंदगी मुश्किल हो चुकी है जी सर, हम लोग बहुत कष्ट में जी रहे हैं सर। रोहतास जिला से हैं, विक्रमगंज से। विक्रमगंज से आ रहे हैं जी? सर जी सर, मतलब पूरे भारत से लोग पटना पहुंच चुके हैं जी सर? जी पहुंच चुके हैं सर, उधर से भी मुजफ्फरपुर से भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं सर। और क्या क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम बजरंगी शाह है। कितना पैसा फंसा हुआ? हमारा अपना 3 लाख है। 3 लाख आप कर्ता भी हैं और कर्जकर्ता भी हैं? कार्यकर्ता भी। हाँ, अब हम लोग की स्थिति ऐसा हो गया है ना कि जीना हराम हो गया है। ये पार्टी का पैसा हम लोग जमा कराए हैं, वो पार्टी बोलता है कि हमारा लड़की का शादी है, हमारे परिवार बीमार है, आप पैसा कहीं से दीजिए, हम आपको दिए हैं, आपसे लेंगे, तो बताइए हम लोग कहाँ से देंगे। सारा एकदम अन्याय कर रहे हैं, इतना निकलना भी मुश्किल हो गया होगा घर से। बिल्कुल जीना हराम हो गया है। अच्छा, बहुत सारे एजेंट का ऐसा भी है कि जो उनको फायदा भी हुआ था वो भी उन्होंने सहारा में इन्वेस्ट कर दिया। हाँ, सारा जो कमीशन, हम तो कमीशन लेते ही नहीं थे, मैं बोल दिया था कि जनता भूखे मरेगा तो हम भी भूखे मरेंगे, हम कमीशन नहीं लेंगे, नहीं लेते हैं, नहीं लेते हैं। हाँ, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जिनका कमीशन भी फंस चुका है सहारा इंडिया में। मेरा नाम मनोरमा देवी है, मैं शेखपुरा जिला से आए हैं, विधानसभा घेराव के लिए आए हैं। बहुत पीड़ित हैं हम लोग के, चलना मुश्किल हो गया है। जितने आदमी एकदम गली में चलते हैं कि चलना एकदम जीना हराम हो गया है, उधर से निकलते हैं, उधर से निकलते हैं, कोई गाली देते हैं, कोई बात कहते हैं, चलते महिला के एकदम परेशान परेशान करवा दिए हैं। सुब्रत राय, जितने गरीब लोग के ठेला उला वाला के टोटल का पैसा ला ला के हम जमा किए हैं, रिक्शा चालक का, जूता चप्पल सीने वाला को, जो दाई का काम करती है, एक एक दो दो दस दस रुपया करके ला के जमा किए हैं। इतने गरीब लोगों के सुब्रत राय हाय ले रहे हैं ना कि उनको कहीं जगह नहीं मिली, किसी को नहीं छोड़ा उन्होंने, किसी को नहीं छोड़े हैं, राजा से रंग के तक के वो सबको कंगाल बना के धर दिए हैं। हम लोग एजेंट हैं, मेरा कमाई भी उसी में सब फिक्स मूड में उधर से कमीशन आता था और उसी में सब पैसा मेरा फंस गया। अच्छा, महिलाओं का हमेशा देखा जाता है कि पैसे बचा बचा के घर चलाती हैं, जिस तरह से पैसा फंस गया, अब कितनी तकलीफ होती है घर चलाना? घर चलाना अखने बहुत मुश्किल हो रहा है, 2012 से ये कंडीशन कर दिए हैं एकदम, हर समय जब न तब पेपर बदल दीजिए, पेपर बदल दीजिए। और पार्टी जो है सर समझता है नहीं, कहता है कि आप लोग जानबूझ के पेपर बदल दिए हैं। पार्टी ऐसे नहीं समझता, कहता है कि मेरा तो पूरा हुआ था मैडम, आप तो जान के ले जाके बदल दिए हैं। और यहाँ तो सुब्रत राय का कहना था कि हरा वाला जो 300 का पेपर है उस पेपर पर पैसा नहीं मिलेगा, वो दबा
लाभ दे करके बदलाया गया है। तरह तरह की स्कीम निकलते रहा और अति बदलते चल गए वहाँ, और अभी तक ले भी क्यूसब का पेपर कितना धरा हुआ है। अभी भी ब्रांच में हम लोग जाते हैं तो वही हम लोग के सुनने के लिए मिलता है कि इसको बदलिएगा नहीं तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। पैसा नहीं मिलेगा? हाँ, पैसा तो ऐसे भी नहीं मिल रहा, ऐसे भी नहीं। ये वही बात बोल रहे हैं ना, ऑफिस में मैनेजर हैं जो कि जब तक कि नहीं पलटिएगा, इस पर केस चल रहा है, इसको पलटिए तभी पैसा मिलेगा। और जब पलट भी दिए हैं सब पैसा, कुछ अभी की उसको का बाकी भी है तो अभी तो पैसा नहीं मिल रहे हैं। कहाँ मिल रहा है पैसा? सब पैसा तो कुछ जब्त कर लिए हैं सुब्रत राय। अच्छा, लगातार कोर्ट केस भी हुआ, उसके बाद भी वो कोर्ट में पेशी नहीं हुए। पटना हाई कोर्ट में 3 बार बुलाया गया मगर फिर भी जो है ऑर्डर का इज्जत नहीं किए और चकमा दे दे के बार बार निकलते। वो हमेशा सभी को अपमान कर रहे हैं, कोर्ट को भी अपमान कर रहे हैं, सारे जनता को अपमान कर रहे हैं, कार्यकर्ता को अपमान कर रहे हैं। इसलिए सहारा पर हम लोग का भरोसा उठ चुका है, हम लोग एक कार्यकर्ता हैं, सहारा पर बहुत उम्मीद के साथ हम लोग काम किए थे कि समाज के साथ और इज्जत के साथ काम करेंगे, लेकिन सहारा ने बेसहारा कर दिया है, हम सभी को तोड़ कर रख दिया है, रोड पर रहने लायक नहीं रह दिया, हम लोग को समाज में अपमान किया जा रहा है, हम लोग बहुत मतलब गलत महसूस कर रहे हैं, अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं। इसलिए सहारा इंडिया हम लोग के साथ बहुत गलत कर रही है, सहारा पर सख्त सख्त कार्रवाई हो। हम चाहते हैं कि हम लोग जो अभियान छेड़ दिया है कि जमाकर्ताओं को पैसा भुगतान करा के रहेंगे, ये हम लोग का उद्देश्य शुरू से रहा और आज भी है। हम सहारा को हम लोग कभी नहीं छोड़ेंगे, सहारा से पैसा हम लोग भुगतान ले के रहेंगे। जय हिंद जय भारत। विधानसभा घेराव करने जा रहे हैं, 144 लागू, हो सकता है कि लाठियां भी बरस सकती है, खाने के लिए तैयार हैं? एकदम सर, लाठियां खाने, हम लोग तो जीते जी मर रहे हैं सर, हम लोग इतना मर चुके हैं कि हद से ज़्यादा गुजर चुका है, हम लोग कहीं जाने के लायक नहीं रहे, हर जगह से पैसा, घर परिवार गोतिया और पूरे जहां हम रहते हैं सर समाज से पैसा उठाया, सब गरीब तबका का पैसा है सर, और इसमें सहारा श्री कुछ ध्यान नहीं दे रहे हैं और इसमें सरकार का भी मिलीभगत है। हम सरकार पर ही आरोप लगाना चाहते हैं क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि आप प्राइवेट बैंक में पैसा क्यों जमा किए, आप प्राइवेट बैंक को लाइसेंस क्यों दिए बिहार में काम करने के लिए, आप बिहार में लाइसेंस दिए तब तो ये काम खुला हुआ, और आज आप ध्यान नहीं दे रहे हैं कि किसका भुगतान नहीं हो रहा, क्यों नहीं ध्यान देते हैं आप सरकार चला रहे हैं, हम लोग जनता आपको चुन करके भेजा जाता है और हर विधायक और सांसद को ज्ञापन हम लोग दिए हैं पूरे भारत में, कभी कोई लोग ध्यान नहीं देते हैं, सिर्फ बोलते हैं हम विधायक बनेंगे सांसद बनेंगे, जनता का फर्ज पूरा आप नहीं कर रहे हैं, जनता का जो समस्या है वो आप देख नहीं रहे हैं, और मोदी जी कहते हैं कि हर गरीब जनता एक एक जनता को हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं यहाँ 12 लाख कार्यकर्ता मर रहा और 90% पूरे भारत में जो देश का आबादी है 90% जनता का पैसा सहारा इंडिया में, और हर घर में आप देखिएगा जाकर तो एक न एक व्यक्ति सहारा इंडिया का मिल जाएगा, उसका घर में कागज़ कि मैं हम भी सहारा में पैसा जमा किए हैं, 90% जनता और गरीब से लेकर अमीर तक का पैसा, लेकिन आज कोई नहीं बोलना चाह रहा कि हाँ पेमेंट करो ये गरीब जनता का पैसा, पैसा के लिए खुद दर बदर भटक रहे, हम अपने पैसे के लिए दर बदर, हम अपना ही पैसा सब जमा किए हैं बाल बच्चे की शादी के लिए और जमाकर्ता की जमा किए, सभी का पैसा जमा किए हैं विश्वास के साथ, और आज पैसा नहीं मिल रहा। अब बताइए सब जगह, और कोर्ट में क्या है, न्यायपालिका में क्या है कि हर तारीख पर तारीख सिर्फ मिलता है, जो सन्नी देओल का एक फिल्म देखे होंगे सर आप भी कि डायलॉग सिर्फ तारीख पर तारीख मिलता है, यहाँ इंसाफ नहीं मिलता, वही हालत भारत देश का हो गया है कि कानून भी अपना काम नहीं कर रही है और सिर्फ तारीख पर तारीख देती है, आज अमीर लोगों का कोर्ट हो गया है और गरीब जनता का कोर्ट नहीं रहा, गरीब जनता के लिए कोर्ट नहीं है, अमीरों का कोर्ट हो गया है, अमीर चाहेगा तो एक दिन में, आज तारीख पे तारीख मिल रहा है मगर सुब्रत हाजिर नहीं हो रहे हैं कोर्ट में, वो होंगे भी नहीं क्योंकि उनको पैसा देने का नेत ही नहीं है। इंसानियत, आज मैं बता रहा हूँ सहारा के एक एक व्यक्ति की इंसानियत मर चुकी है, इंसान नाम की कोई चीज़ नहीं है। आज मैं उत्तर प्रदेश से यहाँ पर आया हूँ अपने पिता के पैसे के लिए, लेकिन आज मेरे पिता अपना पैसा मांगते रह गए, गिड़गिड़ाते रह गए, उनकी हार्ट अटैक से डेथ हो गई, डेथ हुए भी 3 साल हो गया, लेकिन डेट मेच्योरिटी भी देने के भर के सहारा की औकात नहीं है कि उनकी पैसा दे दिया जाए। आज इतने भाई जो भाई बहन आज हमारे यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, जीना हराम हो गया है हम लोगों का, हम लोग पल पल मर रहे हैं। आज 400 से भी ज़्यादा लोगों ने सुसाइड कर लिया, हज़ारों की संख्या में लोग बीमारियों से मरे, लेकिन सहारा नहीं वो बीमारी दिया। आज लोगों सहारा जो आज बीमार पड़े हुए, जिनको हार्ट अटैक आ रहा है, जो आज हॉस्पिटलों में एडमिट हो रहे हैं, वो सहारा की वजह से ही एडमिट हो रहे हैं, क्योंकि रात दिन उनको टेंशन, एक बार जब फ़ोन बजता है तो उनका इनका सीने का धड़कन जो होता है बढ़ जाता है कि किसका फ़ोन होगा, कौन कितना गाली दे रहा है, क्या हम करें, कोई हमारे पास सर ऑप्शन नहीं है। देखिए यहाँ पे जो लोग हैं ये आपको मुट्ठी भर भी लोग नहीं यहाँ पे दिखेंगे,
आपको बता दें कि जिन लोगों ने भरोसा किया था, जिन लोगों ने सहारा को अपना सहारा माना था कि आगे जाने वाले वक्त में काम देंगे, अपनी बेटियों की शादी कर सकेंगे, लोग बच्चे को पढ़ा सकेंगे, बहुत ऐसे सपने थे जिनको सपने साकार करने के लिए सहारा में इन्वेस्ट किया था, पर कहीं ना कहीं सहारा ने इन्हें रोड पे ला के छोड़ दिया, पूरी तरह से बेसहारा कर दिया। लगातार कोर्ट ने भी डेट दिया, मगर जो है कोर्ट को भी चकमा देने में कामयाब रहे, कोर्ट के डेट पे भी नहीं आए, कोर्ट की भी इज्जत नहीं की सुब्रत राय ने। इसी तरह की खबरों के साथ हमारे साथ बने रहें, पलपल की सहारा की अपडेट हम आपको देते रहेंगे, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।